प्रो लेवल है ना मेडिकल स्टूडेंट्स का भी, मतलब अटेंडेंस के लिए कुछ भी करेंगे मैम के, चाहे पैर पढ़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, बहस बहुत करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आयुर्वेदा स्टूडेंट यानी कि बीएमएस स्टूडेंट की लाइफ में कितने पंगे होते हैं, कितनी उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, और सबसे बड़ा लोगों को डाउट कि क्या वो संस्कृत ही पढ़ते रहते हैं और क्या वो सीखते हैं, उन्हें ऐसा क्या सिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई रूम विंडो। कैसे हो आप सब? आपको पता है सुबह के 6:30 बजे मेरे को इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, मैं बहुत खुश हुई। मैंने बहुत सारी वीडियो शूट कर ली इनकी। जल्दी उठी गई थी तो सोचा थोड़ा योगा कर लेते हैं जिससे मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी बनी रहे। और जैसे कि दुनिया जहान को पता है कि अक्षिता कहाँ कहाँ घूम रही थी, तो पढ़ाई कुछ हुए तो इतना टाइम हो गया ना, तो मोटिवेशन लेके पढ़ने बैठना पड़ा यार। इवन मेरी बुक्स पे ना मिट्टी जम गई थी, उनको झटक के किताबें खोली मैंने। शाबाश। मेरे दिन का सबसे आलसी भरा टास्क होता है रूम की क्लीनिंग करना। अगर ये हो जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है ना सच में अब नहाने की भी जरूरत नहीं है, रूम क्लीन है तो हम भी क्लीन ही है। उसके बाद गोल गोल रोटी बना के टिफिन में पैक करना। जी हाँ, हमें रोटी भी बनानी पड़ती है क्योंकि हम हॉस्टलर्स नहीं है, हम डे स्कॉलर्स हैं, तो लंच भी खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। नाउ वेलकम टू माय कॉलेज। ये है मेरी कॉलेज का कैंपस जो कि बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आप सुंदर सुंदर पेड़ देखोगे और धूप देखोगे। बहुत ही चमकती हुई धूप में हमें यहाँ घूमना होता है। और घूमते घूमते हम पहुंचते हैं प्रैक्टिकल क्लास को अटेंड करने। आज हमारी पंचकर्मा की क्लास है जिसमें आज हम सीखेंगे अभ्यंग करना, यानी कि स्नेहन और स्वेदन आज हम सीखेंगे। ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो बॉडी की मसाज होती है ना उनकी डायरेक्शन सीखते हैं। और ये आंटी आज हमें सिखाने वाली है मसाज की ऑल डायरेक्शन, इन्होंने हमें सिखाई। सो पंचकर्मा से बहुत सारी डिजीज को क्योर किया जाता है, इवन वेट लूज भी होता है इससे, जिसकी नेक्स्ट वीडियो में ना अपलोड करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें वेट लूज भी पॉसिबल है। 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करने के बाद हम जाते हैं क्लासरूम में। तो क्लासरूम में चलते हैं, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि संस्कृत के आयुर्वेद में पढ़नी पड़ती है क्या। जी हाँ बिल्कुल, संस्कृत पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है संस्कृत, जिसमें आपको संस्कृत व्याकरण पढ़नी पड़ती है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना उसमें बड़े बड़े श्लोक आएंगे, तो कुछ श्लोक आपको लर्न करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ओनली हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर मीनिंग आपको पता चल जाता है ना तो श्लोक लर्न करने की इतनी नीड नहीं होती है। तो शुरुआत में हमें लगता है कि आयुर्वेदा में क्या श्लोक क्यों लर्न करने पड़ते हैं, बट इट्स ओके, सब मैनेज हो जाता है। संस्कृत से घबरा के कभी आयुर्वेद को छोड़ना नहीं चाहिए। सो लेक्चर अटेंड करने के बाद लंच में हमने जो हमारा भोजन तैयार किया था उसको ग्रहण करने का समय आ चुका है। नाउ लेट मी शो यू कि 1 घंटे के लंच में ना मेरे क्लासमेट्स कितनी उधम मचाते हैं। अरे कोई काजे ले लाउरी, मुहे काला टीका लगाउरी, तुमसे ना हो पाएगा। आपने कभी देसी छाता देखा है? मेरे जो क्लासमेट्स है ना वो छाता तो लाते नहीं है, तो देखो लाल कपड़े से ही खुद को ढक के इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छाता लेकर आती हूँ, मैं खुद भूतिया शक्ल लेके घूमती रहती हूँ। वॉट अ डेडिकेशन ब्रो, सीरियसली इतनी धूप में भी क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, सैल्यूट है भाई आपको, सैल्यूट। ये देखो पापा की परिया लूडो खेल के खुश हो जाती है। काश हम लड़के ना इतना दिमाग पढ़ाई में भी लगा लेते तो भी टॉप करते। तो ये दृश्य है हर मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ का कि वो अटेंडेंस के लिए कुछ भी कर सकता है। मैम आप प्लीज अटेंडेंस पूरी कर दीजिए, आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हैं। ये बच्चे अटेंडेंस के लिए कैसे कर रहे हैं? मैम मानी क्या? सो इवनिंग में तैयार शेयर होके हम जा रहे हैं पार्टी शार्टी करने, पर ऑटो का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब रात को ऑटो मिलना बहुत मुश्किल होता है। कलरफुल लाइटिंग वाले ऑटो से उतर के हम पहुंचते हैं हमारी डेस्टिनेशन कुबई कॉटेज, जो कि हमारे ग्रुप का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि ये एक इकलौता रेस्टोरेंट है जो पास में है और इसका फूड अच्छा है, तो हमें यहीं आना पड़ता है। हालांकि मुझे दुख हुआ ये जान के कि यहाँ की फूड की जो रेट्स है ना वो बढ़ गई है, पर कोई बात नहीं, टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज, टेस्ट इसका बढ़िया है। इसके बाद लड़की बाहर खाना खाने आए और बुमरैंग ना बनाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो हम चारों ने मिलकर बहुत सारी बुमरैंग बनाई। बस फिर हम निकल रहे हैं घर को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।